गुड मॉर्निंग फन स्क्वाड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। इंडिपेंडेंस डे है और क्या, जबरदस्ती एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर मेरे को उठा के लाया गया है। आज मुझे लगा छुट्टी होगी, आराम करेंगे। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द वर्कआउट एक दिन के लिए। नो फ्रीडम। सो हर घर पे लग गया बार को जो नारा है कि हर घर पे तिरंगा, मोस्टली लोगों ने हर जगह लगा ही दिया। ये देखो हर घर पे लग गया। एंड जिस हिसाब से इस बार मार्केट में मिल रहे हैं यार तिरंगे, मतलब हर जगह, हर रोड साइड पे, नुक्कड़ पे। पहले तो एक दो वो रोड साइड पे सामान मिलता, तो हर थोड़ी देर में आपको तिरंगे मिल रहे हैं। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन आज का दिन मुझे सबसे ज्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। आज मैंने स्पेशली मम्मा पापा को फोन किया, मैंने कहा देखो आज हम मिलने आ रहे हो, छुट्टी का दिन है, छोले भटूरे नहीं सॉरी पतंग जरूर ले आया था, पतंग और नया मांझा। जो छोले भटूरे, छुट्टी वाले दिन आदत हो गई ना आपको की छुट्टी वाले, जब आपकी छुट्टी होती थी आप छोले भटूरे खाते थे। चलो पकड़ो मेरा लास्ट सेट है, लेट्स फिनिश दिस, लेट्स गो। आज कर लोगे ना खत्म, इतने स्लो स्पीड पे चल रहे हो भाई। कल छुट्टी के बाद संडे के बाद तो ऐसा लग ही रहा है इजी नहीं है, तो के छुट्टी वाले मूड पे एक्सरसाइज करना मत रिकॉर्ड करो यार। गो गर्ल गो। ये देखो ये सारा सामान हो गया अभी, और अभी सर बोलते हैं ये 20 केजी वाली अब जो है वो प्लेटें लेके आनी है, जो मुझे टाइम नहीं मिल रहा। आज मौसम इतना बढ़िया है, ऐसा ही रहे आज, बस आज शाम तक हमको पतंगे अच्छे मौसम में उड़ाने का मौका मिल जाए फिर तो डन हो जाएगा काम आज। क्यों गर्ल गो उन्हीं आ गया, आगे वॉकिंग करके ये ले। हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये पायलट इतना ट्रेन किया मैंने, हेलो नहीं बोला, चरण स्पर्श किया इसमें से, ये चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। इसको ये इतना अच्छा लगता है ना इसे बैठना, स्क्विरल की तरह, स्क्विरल की तरह। एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे पैकेट पड़ा हुआ गाड़ी का सिग्नल पूरा पता चल जाता। कैन यू बीट दैट, जब पापा रिवर्स करता है गाड़ी इसकी एनर्जी दे दो। आगे पापा, आगे पापा। मैं उसको ऊपर छोड़ा है, आपकी आवाज सुन के बाहर आ गया। गुड मॉर्निंग, मम्मी की शॉपिंग आ गई और पतंगे आ गए। मांझा भी, मांझा। वाह, ये चाइनीज मांझा नहीं, नहीं। बड़ी न्यूज आ रही है ना, तो मॉम को जब मैंने बोला मांझा चाहिए, मॉम लाइक मैं लाऊंगी तो नॉर्मल मांझा लेके आऊंगी, वो नहीं लेके आऊंगी। भाई ये पतंगे अभी ऊपर जाके हम सोच रहे हैं, गिरो भाई जब हम बचपन में होते थे हम पहले ही कन्ने कन्ने डाल के रखते थे, काम होने से पहले कि भाई जितनी कटने कटती रहे बट सारी तैयारी करके रखते हैं। तो देखो इसको बड़ी जल्दी तैयारी करने की। सो अभी एक देख लेते हैं कि ऊपर एक्चुअली पतंग कितनी पड़ी हुई है वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक 10-15 में डाल देते हैं अशोक करने। अबे क्या कर रहे हो ऊपर जाके धूप में इतनी। हमने ना इसका ऊपर टेडी बेयर रखा हुआ, जब मैं आपको ऊपर जाऊंगा दिखाऊंगा, ये जाके अपने टेडी बेयर से मिलने जाता है, मिल के आ जाए उसके बाद मिल के आता है। Independence Day Fun Squad. Today I'm so excited because my best friend Bani is coming over to celebrate Independence Day with us. What are you doing? You want to celebrate with us? He always wanted to come on the camera. He just attacked me right now for the camera. तो गाइस इंडिपेंडेंस डे की खुशी में हमें लगा कि एक ड्रोन शॉट हमको लेना चाहिए फ्लैग के साथ, जो हम करने वाले अपना मैविक निकाल के, एंड अशोक द मास्टर द पायलट ये उड़ाएंगे। हां कल परसों जितनी बारिश होती रही है आज बारिश का माहौल बिल्कुल भी नहीं है और धूप ज्यादा है, इससे मुझे लग रहा है अपने को फिल्टर लगाना पड़ेगा। नहीं क्या निकाल रहा है, मैविक 2 है, इसके साथ आपको कुछ 2-3 फिल्टर आते हैं, वो हम लोग इसको लगा के देख लेते हैं कि कैसा इफेक्ट आता है। एंड शो कह रहा था बैटरी चार्ज नहीं है, बट एक शॉट के लिए तो हमारा काम हो ही जाएगा। आ जाओ शायरू, यार स्काई कितना प्यारा हो रखा है भाई, आज तो बड़ा साफ लग रहा है स्काई बिना फिल्टर के है। Decoration here, like lights, you can be like balls around. Papa, you can add like grass over here, like grass. हाँ, we'll put grass over here, Sarah. And one corner here, हम यहाँ पे बनाएंगे जिम के लिए। और ये उन्हों का फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा था अभी कि ऊपर आता अपने दोस्त को मिलके जाता है, ये रहा यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे इसने इसको तंग कर दिया है, बटिंका को तंग कर दिया है उन सारा, ये उन्हों का वो है बेस्ट फ्रेंड है, इसको मत करो। हाँ मार दो बेटा, जान से मार दो उसको। ओए उनो नो, ड्रोन है वो, गर्दन काट लेगा तेरी भाई। क्विक शॉट आ गया, मजा आ गया, बहुत बहुत ही अच्छा लगा दिया झंडा। ओ सामने जेन और वो, मैं नाम भूल गया दूसरे का। वो दूसरे के चुपके बैठी हुई है।
क्या किया उसको? ऐसे था क्या? बाहर था, ऊपर की तरफ था यार। के पीछे क्यों छुप बैठी है? ये ऊपर की तरफ था, ये बाहर की तरफ। भाई इतनी गर्मी हो गई है। एसी ऑन है मैडम, एसी ऑन है, देख रहा। उतरोगे बैठोगी ना इससे बिना? गर्मी है ही। अभी उनों से एक हमारा सोप डिस्पेंसर जो है वो टूट गया है। फेवरेट डिस्पेंसर था वो। कोई ना, वो भी तो तुम्हारा फेवरेट है। वो खर्चे ना करे तो ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग आ गए फॉर अ चेंज, यहाँ मॉपिंग चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को मैम ने बोला कि आप थोड़ा वेट करें जब तक ये मॉपिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद जा सकते हैं ना, आफ्टर मॉपिंग ओनली। आप लोगों ने खुद सजाया कि कोई आए थे? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। या वाकई में इस बार झंडे वंडे सब जगह फील बहुत ही अच्छा है। अच्छा, वाओ। लड़के जो है बाइकों पे सवार होते हैं, उनके हाथ में झंडे होते हैं, सब भारत माता की जय करते हुए जाते हैं। वाह, ये नहीं देखा हमने कभी। ये हम भी एक दिन जाके, तुम्हारी हड्डियां टूटते हुए ना बच गई। अभी रीमा स्लिप करने वाली थी और ऐसे स्लिप करती कि आज 15 अगस्त का काम खराब हो गया था। तो मौसम का पूरा बदलाव बारिश की ओर होता हुआ, आज तो बैक हाथ कुछ ना कुछ पक्का टूटना ही था। पर मैंने अपने को संभाल लिया। वाह, स्विगी ने नाम रोशन कर दिया। देखो फेस नहीं दिख रहा बंदे का, झंडा पूरा दिख रहा है। मतलब राइट हैंड साइड का विजन ब्लॉक हो भी जाए लेकिन झंडा लेके जाएंगे। यार मैंने पता बाद में एक चीज रियलाइज किया कि जब भी हम यहाँ गाड़ी में ब्लॉक कर रहे होते हैं ना, आवाज उतनी ज्यादा क्लियर होती नहीं है। तो इसका एक माइक का सेटअप आता है, मैं सोच रहा हूँ जाके ले आए, बिकॉज जैसे हम ज्यादातर ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गोप्रो से ब्लॉक कर रहे होते हैं ना, अपने को साउंड और क्लियर आना चाहिए, कई बार वो दब जाता है साउंड गाड़ी में। भाई भी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि कुछ पतंगों में ना कन्नी डाल के रख लेते हैं ताकि जब भाई आए तब तो हम लोग रेडी रहे। तो आप लोगों में से क्या अभी पहले कन्ने वन्ने डाल के रखते थे? अगर करते थे तो नीचे कमेंट करके बताना यार। हम तो सारे फ्रेंड्स, पहले क्या होता ना कि जो कटे कटे, दूसरी रेडी, टाइम नहीं वेस्ट करना, बिकॉज शाम का 1-2 घंटा ही मिलता है आपको पतंग उड़ाने के लिए। अभी मेरी क्या नजर पड़ी है, जो सद्दी हमने लाई है, तेरे को पता है हमें सद्दी से ही पतंग उड़ा लेनी चाहिए थी, हमें मांझे की जरूरत ही नहीं थी। बताऊं क्यों? क्योंकि सद्दी जो है वो खली की है। महाबली द खली, भाई कोई ना काट सकता हमारी वो। ये देखो जी कौन आए पतंग उड़ाने आज। हेलो जी, 1 सेकंड लगा तेरे को पतंग उड़ाने में? तूने कोर्स किया हुआ क्या? अभी देखो आधे सेकंड के अंदर कटवा भी लेंगे भाई। लेकिन एक बात है, कितने सालों से हम साथ में पहली बार पतंग उड़ा रहे हैं। यस। और भाई का देखो हौसला, देखो सद्दी से उड़ा रहा है। कब मांझा कहाँ गया? क्योंकि हमारा हौसला है मुरली प्रसाद वाला हौसला। मैं मांझा तो लगा लेता, इसको नहीं पता वो मुरली यूट्यूब देखे मुरली प्रसाद हौसला। और यहाँ हौसला देखो, ये अलग लगा हुआ है। अबे तूने 2 मिनट लगाया उड़ाने में और ये सद्दी खत्म हो गई? तूने मांझा कितना लगाया था? थोड़ा नहीं लगाया था यार। भाई कह रहा मैं ऐसे सद्दी में ही काट दूंगा सारी पतंगे। हाथ से लेके जाता हूँ। है? इसके हाथ से लेके जाऊंगा। किसके? मैं पकड़ू क्या? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। हेलो गर्लीज। क्या मतलब एक ही बार में? एक ही बारी में। भाई को मना कर रहा था शगुन, मैं बोल रहा था कि प्लीज टूट गया, सद्दी से उड़ा रहे हैं तो कैसे नहीं कटेगी? क्या होगा ये? मैं कन्नी देता हूँ, कन्नी जम करके जम। हाँ उड़ते ये कटने वाली है, ये भी कटने वाली है पक्का। उम्मीद जा रही है। वो भी खुश। देखो हमारा रिकॉर्ड हो गया, 2 मिनट में 2 पतंगे कटाई हमने। टारगेट सेट हो चुका है। टारगेट सेट है जे? टारगेट सेट है। गई गई गई, अच्छा गई गई, सॉरी गई। ये अच्छा नहीं है मान रहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कटिंग। अबे कहाँ कट गई? ओ गॉड, ये किसने काटी है? 4 मिनट से 4 पतंग चली। तिरंगा वाली काइट नहीं लाए ना आप इसे? हाँ अगुन, गो गो गो, क्या पता, क्या पता लगी हैंड लग जाए जे, क्या पता लेडी लग काम कर जाए। काट रहे हो किसी? काट रहे हो काट रहे हो। ओ अपनी कट गई। ओ गॉड, गई हमारी, नहीं कटी, काटी। आई गो, आई गो।
रिएक्शन प्लीज, फाइनली रिएक्शन। मम्मी आने दो, ये की गड्डी है, वहीं की गड्डी है। दिखाई भी नहीं दे रही, दिखाई दे रही है। यार जस्ट मां का नहीं, घुमा लेके जाऊंगी, घुमा लेके जानी है। ये घर जाएगी सीधा कट के, मेरी पतंग इधर की उड़ रही है, ये राइट क्यों नहीं आ रही। अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पीछे से ये भी रिकॉर्ड करने वाला है। जे वर्सेस शगुन। नहीं नहीं नहीं, अरे वापस में लड़ोगे, घर में लड़ाई कराओगी, पड़ोसियों की काटनी यार। अबे क्या कर दिया अशोक, अशोक एक इसने तोड़ दिया मांझा। नहीं नहीं शगुन ने जोड़ दिया, अशोक जोड़ ले ले। अरे ये कटने वाली है, ये कटेगी नहीं, उम्मीद पूरी है कि कटेगी। ये लो उड़ाओ, ये लो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ढील दो ढील दो, रिमा ढील दो, पर्सनल वाले से लड़ा लो। हाँ लगाओ, अरे आप जिसका मन करे काट दो, आप झंडे काट दो। एक कटी कट भाई, कितनी काट के मानेगा। oh, एक और उधर से इनकी काटते हैं, इनकी क्या, इसको आने दो रिमा, पहले आने दो इसको, आने दो। शगुन इज अ प्रो, ले जाके हमें छोड़नी है, बस कोशिश कर रहा हूँ छोड़नी, मैं छोड़ दूंगी। डाल दिया, गो 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 गो। पहले भी यही था, अरे पहले भी यही था, ये जल्दबाजी में लगा रहा था, यही था यही था यही था, बट ये भाई गाड़ी उड़ने नहीं दे रहा था। ढील दे दियो, को लगाने तिरंगे को पहले। लो 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 लो, ओ भाई ये एक के साथ इकट्ठे दोनों को काटेगा ये। पांच हो गए, वापस आ गए, वापस आ गए, स्क्वायर पे वापस आए, प्लेन से लगाने मेरे को, उसको मंगा के मैं प्लेन से लगाऊं, पतंग को वापस मंगा फ्रेम करा लेता। हाँ भाई सही कह रहे, फ्रेम करा के रख लेते, अगले साल यूज करेंगे। ये लो, हमारी चार पहले फ्लॉप करवा ली, हमारी पहले चार चार फ्लॉप थी, उसके बाद एक पतंग नहीं पांच मार दी भाई, ये फ्रेम कराएंगे पतंग हम, किससे हम का किससे आग लगाएं, आपस में काट दो ना। ये देखो अधूरा तिरंगा अभी हरे रंग की इसकी जुराबे थी, मॉम ने उतरवाई है, हरे रंग का बंडाना था उतार दिया, नीचे रखा है, सपाट कर दिया भाई। इधर आओ, ये देखो अब देखो पूरे आसमान में सिर्फ हमारी, सिर्फ हमारी, यस एक ही पतंग है ऊपर, बाकी सब मैदान खाली। ये चलो गर्ल्स Your turn. भाई हमने आते ही खाता खोला था, चार कट के जाते और आते हमने पांच सात काट दिए। वो कहते ना पहली वन हिट एंड वंडर नहीं है, हम जिसकी पहली सुपर हिट होती है उसके बाद में सारी फ्लॉप, सारी फ्लॉप देना जाते, तो भाई क्या करना होगा, करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, पतंग के ऊपर ले जाके हल्का हल्का थोड़ा टाइट रखना है, हाँ बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। कितनी देर की स्पीड पे सर? ये कोई 10 किलोमीटर पर रात की स्पीड। 10 किलोमीटर हमारी जा रही है अब ये सातवीं पतंग काटने के लिए, सातवीं पतंग काटने के लिए। भाई हम ज्यादा नीचे तो नहीं हो गए? लग गई, लग गए। अगर आप देख सकते हो सामने दो ही पतंगे हैं, एक अपनी है और एक पड़ोसी की है, हमें अभी लगे हुए यार, गई नहीं है अभी, जहाँ उसने टाइट किया वो गया। आई बो अपनी हो गई, अपनी हो गई, मांझा हमारा बहुत कच्चा हो गया था क्योंकि छह पतंगे काट दी थी। लपेटो लपेटो जल्दी लपेटो भाई। अच्छा भाई की एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे पतंग कटी वहाँ से मांझा काट दो, इसको जितने 2 किलोमीटर तक अगर आपका मांझा यूज हुआ उसको यूज नहीं करना। देखो भाई पिछले जमाने के अंदर ना, पिछले मेरे बर्थ के अंदर मैं मांझा बनाने वाला था, तो मांझा एक बार लोग खरीद लेते हैं, अगली बार खरीदते नहीं, वो साले से रख लेते हैं, तो हम मांझा तोड़ देते, यहाँ से तोड़ ताकि अगली बार हम नया मांझा लेके आए। सबसे खुश है ये, कह रहा है मेरे को लपेटना नहीं पड़ेगा, भाई ये कह रहा है लपेटना नहीं पड़ेगा, नहीं मैं लपेट रहा हूँ। अशोक को लगा लपेटते लपेटते शाम हो जाएगी, फटाफट अगली पतंग निकालो। छोड़नी भी है, साथ में उड़ जाए, जरूर मारने हैं।
हल्के हल्के ठुमके दे रहे हैं, छोटे छोटे ठुमके, ठुमके बोलते ना, तुनके बोलते, ठुमके ठुमके तुनके बोलते ठुमके। ऑलवेज गिवन ढील, ये बार बार ढील मांग रहा है लड़का, बटे ढील ऑलरेडी मिट्टी दे रखी है। तेरे चक्कर में मेरा आधा मोहल्ला खाली हो गया है, सब चले गए वापस। इमरजेंसी की इमरजेंसी इमरजेंसी, ये बढ़ जाती है, यहाँ बढ़ जाती है। भाई की जान बचाने के लिए मैंने मुंह से तोड़ दिया, ये ना हो कि जुबान कट जाए कल को बोले। तुम्हारे होते मैं ऐसे कुछ नहीं बोल पाता मैं, और क्या बोलूंगा जे, डू द वंडर्स फॉर मी जे, जुबान काट दो। मोहल्ले की आठ पतंगे काटने के बाद लड़का इंजर्ड हो गया। लाओ मैडम, अगला पेचा लगा रही मैडम, मैडम छोड़ने का नहीं है। कहाँ गई, काट दी क्या? अच्छा हमारी कैसे हुई? अबे लपेटो 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 लपेटो, छोड़ दो, हाँ जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ये वेल गाइस, यार मजा आ गया। जो मतलब जितनी भी आसपास की पतंगे थी ना, वो भी सब कट गई। हम लोग आखिरी में तो बस अकेले ही पतंगे उड़ा रहे थे। आई होप आप लोगों को मजा आया हो वीडियो देख के। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन आप सबको, आपके फैमिली को। कैसा लगा आज का वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज़।